चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म होली के मौके पर बिहार झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म क्रैक फाइटर रिलीज किया गया और फिल्म रिलीज होते ही भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर जिस तरीके से तबाही मचाई है उससे यह एक बार फिर से साबित हो चुकी है कि भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस के असली किंग तो सुपरस्टार पवन सिंह ही हैं। जी हां, उनकी फिल्म क्रैक फाइटर शानदार दूसरा सप्ताह बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर प्रवेश कर लिया गया है, यानी कि साल 2019 का सुपरस्टार पवन सिंह का पहला ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो चुका है। आपको बता दें कि इसका पोस्टर भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है। जी हां, क्रैक फाइटर का ब्लॉकबस्टर पोस्टर भी सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि पवन सिंह की क्रैक फाइटर ने पहले हफ्ते कितना का बिजनेस किया है ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जी हाँ, ना ही फिल्म के प्रोड्यूसर या भी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली डेटा शेयर किया गया कि फिल्म ने पहले हफ्ते कितने का बिजनेस किया है। लेकिन जिस तरीके से सिनेमा घरों में हाउसफुल का बोर्ड दूसरे सप्ताह भी लगा दिखाई दे रहा उससे यह कहना बिल्कुल सत्य है कि पवन सिंह की फिल्म 2019 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो चुकी है। जहां पवन सिंह को क्रैक फाइटर में बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज दिखाया गया है जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। खास करके बॉलीवुड विलन और साउथ विलन प्रदीप रावत पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म में नजर आते हैं और पवन सिंह के साथ जोरदार डायलॉग और संवाद पर दर्शक जमकर सीटी बजाते हुए सिनेमा घरों में नजर आते हैं। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक पवन सिंह की धमाकेदार फिल्म क्रैक फाइटर नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर क्रैक फाइटर का लुत्फ उठाएं और जिन लोगों ने फिल्म को देखा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पवन सिंह का एक्शन पैक अंदाज क्रैक फाइटर में कैसा लगा।